हेलो व्हाट्सएप गाइस, दिस इज द सुबह यार। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। सो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप करता हूं मेरा तरह अच्छा ही होंगे। तो फिर से वापस आ गए आपके सामने नया वीडियो के साथ। तो फाइनली गाइस, अयोध्या टोटल सीरीज कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को अयोध्या का टोटल सीरीज कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। 5 दिन का टूर था, आपका सबसे अच्छा कौन सा डे का वीडियो लगा वो कॉमेंट में जरूर बताना। ये तो मेरा ड्रीम था अयोध्या जाने का। एक है केदारनाथ, दूसरा है बद्रीनाथ, तीसरा है अयोध्या राम जी का दर्शन, एंड बहुत सारा ड्रीम और भी बाकी है। मतलब आगे और भी 10-10 वीडियो आने वाला है। बट अभी जा रहा हूं बाइक सर्विसिंग के लिए। आपको तो पता ही है मैं केदारनाथ करके दार्जिलिंग गया है, एंड उसके बाद अयोध्या। एंड किलोमीटर भी बहुत ही हो गया है, मतलब 4,500 किलोमीटर है। एंड सर्विसिंग का डेट भी आ चुका है। एक्चुअली बाइक का सर्विसिंग डेट था अयोध्या राइड से पहले, बट मैंने सोचा अयोध्या राइड करके आता हूँ, उसके बाद बाइक सर्विसिंग में दे दूंगा, वही अच्छा होगा मेरे लिए। तो आज जा रहा हूँ सर्विसिंग सेंटर। मैं तो संडे को ही स्लॉट ले लिया है। ये मेरा 3rd सर्विसिंग है, मतलब फ्री सर्विसिंग। आई थिंक 3 सर्विसिंग बजाज का फ्री रहता है। मुझे लगता है जस्ट इंजन ऑयल चेंज होगा एंड जो भी छोटा मोटा काम है उसके लिए पैसा लगेगा, बट सर्विसिंग चार्ज तो फ्री है क्योंकि फ्री सर्विस पड़ता है। तो जाते हैं बहरमपुर, देखते हैं कितना खर्चा आता है। तो आपसे मिलते हैं रेडी होकर एंड जल्दी से निकलते हैं। मैं अंदर बैठा हूँ एंड शोरूम का काम जोरों शोरों से चल रहा है भाई, क्योंकि पहले जो अब आया था तब यहाँ पर ये सेटअप तो नहीं था, तो थोड़ा तो चेंज हुआ है। एंड काम देख के पता चल रहा है, अभी भी चल रहा है। यहाँ पर सर्विसिंग होता है, बैठने का जगह है, एसी देख के भाई बैठ गया भाई। हेलमेट यहाँ पर रखा है, बैग भी यहाँ पर। एंड ये आपका भाई, यहाँ पर बैठा हूँ। 1:30 में हो जाएगा आई वॉइस। एंड वीडियो तो शोरूम पे अलाउ नहीं है। पहली बार जब आया था शोरूम के सर्विसिंग के लिए, पहली बार तब करने का कोशिश किया था, पर तब पता चला था यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो आपको दिखा नहीं सकता सिनेमेटिक। जो जो काम हो रहा है आज वो आपको बाद में बता दूंगा क्या क्या काम हो रहा है। पहले तो काम होने देते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। बाहर तो नहीं जाऊँगा, बिल्कुल ही बाहर नहीं जाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो काम होने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। एंड नेक्स्ट रोड ट्रिप का प्लान आपको घर जाकर बता दूंगा, क्योंकि सरप्राइज है आपके लिए। तो थोड़ा इंतजार कीजिए। 5 hours later. तो गाइस काम हो गया है एंड अभी टाइम हुआ है 3:00. बहुत ही लेट हो गया है, काम बहुत टाइम से चल रहा था। एंड में भीड़ भी बहुत ज़्यादा था। गाड़ी अभी निकल गया है टेस्ट ड्राइव के लिए। भीड़ लाने के बाद आपको बताता हूँ बाइक में क्या क्या हुआ है काम। एंड ये तो फ्री सर्विसिंग था, 3rd सर्विसिंग फ्री सर्विसिंग है। इसके बाद जो भी सर्विसिंग होगा उसके लिए पेड मतलब पैसा लगेगा, बट जो भी जितना सारा कॉस्ट है आपको घर जाकर डिटेल्स बता दूंगा, नहीं तो बाहर जाके बता दूंगा। यहाँ पर बहुत सारी शोर है एंड काम भी चल रहा है, जो बोल रहा था मैं 1200 पे काम चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है। आपको तो पता ही है यहाँ पर वीडियो नहीं कर सकते, तो वीडियो थोड़ा कम हुआ है। वो दिखाता हूँ बाइक कैसा लग रहा है सर्विसिंग आने के बाद एंड रिव्यू देता हूँ। तो गाइस गाड़ी हो चुका है फुल रेडी है। चलो देख पा रहे हो, बाहर जाकर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। अभी थोड़ा बिल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 2000 years. तो गाइस हो चुका है रुद्रा फुल रेडी एंड आपको रुद्रा का लुक चेक कराता हूँ। रुद्रा को कितना प्यारा लग रहा है भाई, वॉश कराने के बाद लुक नया नया लगता है भाई हमेशा। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है भाई शोरूम से आज ही निकल के ले आया मैंने। काम जो जो हुआ वो आपको बताता हूँ। पहले तो हुआ है इंजन ऑयल चेंज एंड बाकी घर में जाके बताता हूँ। अभी तो हूँ रोड पे ही खड़ा हूँ। वहाँ पर तो वीडियो नहीं बना सकते थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शोर था, जितना हो सकता है मैंने वीडियो बनाया है। टोटल खर्चा हुआ है 2586 रुपीस। ये है लास्ट फ्री सर्विस था, इसलिए थोड़ा कम ही लगा है प्राइस। बहुत सारा चेंज हुआ है, जैसा कि ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है चेंज हुआ है। ब्रेक पैड ठीक ठाक ही है, मैंने चेक करने के लिए बोल दिया था ब्रेक पैड ठीक ठाक ही है, नहीं तो ब्रेक पैड चेंज करना पड़ता। बट पीछे का तो ठीक था, मुझे पता था, बट मैं सामने का ब्रेक ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो इसलिए सामने का ब्रेक मैं चेक कराया। एंड भैया ने बताया, मतलब शोरूम वालों ने बताया आगे जो ब्रेक है वो अभी चल जाएगा, 3-4 हज़ार आराम से चल जाएगा।
मतलब मेरा रोड ट्रिप तो आराम से हो जाएगा, छोटा सा रोड ट्रिप। तो आपको घर जाके और डिटेल्स में बताता हूँ एंड दिखाता भी हूँ कितना खर्चा हुआ है ना हुआ है आज का। एंड 5-5.5 घंटे भाई शोरूम में बिता दिया भाई, बहुत ही भूख लगी है। तो जल्दी से घर जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद सीधे घर जाते थे। आपसे मिलते हैं सीधे घर, क्योंकि मैं एक्शन कैमरा लेके नहीं आया, एक ही रास्ता दिखा के क्या करूँगा भाई, थोड़ा बात ही कर लेते हैं। तो आपसे सीधे मिलते हैं घर जाकर, तब तक के लिए भाई। Hey guys, special episode आपके सामने। तो शोरूम से घर पहुंचा 2 घंटा हुआ है भाई, इतना ज्यादा धूप था भाई, हालत खराब हो गया है। एंड आपको तो अच्छे से बता नहीं पाया था कितना कॉस्ट आया है आज बाइक का, मतलब सर्विसिंग का। ये तो फ्री सर्विसिंग था, थर्ड सर्विसिंग आपको पता ही है, पहले ही बोला था ये फ्री सर्विसिंग है, सर्विसिंग कॉस्ट तो नहीं लिया है, बट कुछ चीज चेंज किया है, इसके लिए मुझे पैसा लगा है। एंड आपको दिखाता हूँ कितना पैसा खर्चा हो गया आज। ये तो मेरा नाम एड्रेस है, ये तो हाइट कर देता हूँ। चेंज हुआ है ऑयल फिल्टर, चेंज हुआ है एक क्या लिखा है रिंग, चेंज हुआ है एक इंजन ऑयल, फिल्टर एलिमेंट। एंड टोटल बिल आया है 2,586 रुपया। तो काफ़ी ठीक ठाक सही है, मैं तो बहुत ज़्यादा सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था 3,500 आराम से आ जाएंगे, बट इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आया। एंड भाई इतना ज़्यादा धूप था भाई आज, हालत पूरा खराब हो गया है। 2 घंटा हुआ है घर पहुँचा हुआ, एंड घर आके कुछ खाकर फ्रेश होकर आपसे मिल रहा हुआ अभी। तो इतना ही, एंड आप लोगों से एक ज़रूरी चीज़ डिस्कशन करना चाहता हूँ, डिस्कशन नहीं मैं तो जवाब देना चाहता हूँ आपको, फुल स्टोरी के बताता हूँ पूरा मामला क्या है। मेरे फेसबुक पेज पे 3-4 क्वेश्चन आया था, मतलब 3-4 मैसेज आया था, सब्सक्राइबर नहीं मैसेज भेजा है, बहुत सारा क्वेश्चन था, तो वही क्वेश्चन के आंसर देना चाहता हूँ मैं। पहले सोचा था मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, बट बाद में रियलाइज किया मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना प्यारा है। एंड मेरे हिसाब से आप लोग मुझे मैसेज करो मेरा वीडियो देखकर, यही मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि मेरा तो इतना बड़ा चैनल नहीं है, छोटा चैनल है। वही हिसाब से आप लोग वीडियो देखकर अच्छा बुरा जो भी हो आप लोग बोल रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड 2-3 मैसेज में स्पेशली स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसको जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है एंड उसका आंसर। बेसिकली 3-4 क्वेश्चन आया था, बट 2 क्वेश्चन मुझे बहुत ही प्यारा लगा, एंड मुझे पर्सनली लगा है ये क्वेश्चन का आंसर मुझे देना चाहिए, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया है अगर मैं भूल ना जाऊँ इसलिए। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाली में है, दादा तुम्हार वीडियो अभी देखी खूब भलो लगे, किंतु एक क्वेश्चन हलो दादा तुम बांगलार वीडियो ना बनी हिंदी से क्या वीडियो बनाओ। तो मैं एक क्वेश्चन का जरूर आंसर देना चाहता हूँ, मैं हिंदी में क्यों वीडियो बनाता हूँ। मैं भी पहले सोचा था, मतलब 3 साल पहले सोचा था, मैं जो चैनल स्टार्ट कर रहा था मैं बंगाली में वीडियो बनाऊँ या हिंदी में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे मातृभाषा बंगाली है, बंगाली बोलना सही से नेचुरल जन्म से ही आता है, तो मेरे हिसाब से बंगाली में बोलना मेरे लिए बहुत आसान होगा। बट मैं हिंदी में क्यों वीडियो बनाता हूँ, हर यूट्यूबर की तरह मेरा भी ड्रीम था, मुझे सब पहचाने, मेरे वीडियो सब प्ले करके देखे, तो इसलिए मैं हिंदी वीडियो बनाता था। आपको तो पता ही है मैं अगर बंगाली में वीडियो बनाता तो मेरे वीडियो सिर्फ वेस्ट बंगाल में प्ले होता, बाकी सारा स्टेट में नहीं प्ले होता, क्योंकि सबको बंगाली नहीं आता है। एंड हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हिंदी सब समझता है, मतलब टोटल इंडिया तो मैं नहीं कह सकता, बट 99% इंडियन हिंदी समझता है, अच्छे से बोल नहीं पाता है मेरी तरह, वो तो ठीक है, बट समझ तो सब लेता है मुझे जितना लगता है। ये बात सुन के आप लोग ये मत समझना मैं बंगाली को छोटा दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मातृभाषा है, मुझे बहुत प्यारा है, मुझे गर्व है मैं बंगाली में बात करता हूँ, बंगाल में जन्म हुआ है, वो तो अलग बात है, बट हिंदी सबको समझ आती है। एंड आप लोग मेरा पुराने वीडियो देखोगे तो मैं घर पे बंगाली में ही बात करता हूँ मम्मी पापा से, क्योंकि मम्मी पापा को हिंदी तो समझ आता है बट बोल नहीं पाता अच्छे से, तो बंगाली में बात करता हूँ। तो मेरे लिए लैंग्वेज का बैरियर कोई मैटर नहीं करता, हिंदी में वीडियो बनाओ या बंगाली में वीडियो बनाओ कोई मैटर नहीं करता। पहले जब यूट्यूब शुरू किया था तब तो ड्रीम था मेरे वीडियो सब देखे, इसलिए हिंदी में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड मेरे फ्यूचर प्लानिंग बताऊं तो भाई मैं फ्यूचर में प्लान है, अगर मेरा इस चैनल अगर अच्छे से चल जाए तो मैं दूसरी चैनल जरूर ओपन करूंगा जिसमें बंगाली में वीडियो डालूंगा। तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, आप ये मत समझना मैं बंगाली लैंग्वेज को छोटा लैंग्वेज या नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, भाई मेरा मातृभाषा है, मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, बट हिंदी तो सब समझता है इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ। एंड दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक मिनट लॉक हो गया है। भैया आप
गोप्रो क्यों नहीं लेते? एक क्वेश्चन का भी आंसर मैं जरूर देना चाहता हूँ। गोप्रो लेने का तो मेरा इच्छा है, बट अभी तो नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि फाइनेंशियल आपको पता ही है, गोप्रो का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है एंड एक्सेसरीज है, बहुत सारा अट्रम सट्रम चीज है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। एंड मेरे पास है एक एक्शन कैमरा एसजी कैम के SG6 है, जिसका पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं तो कह सकता हूँ, चल जाएगा, बट साउंड भाई बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया है, नॉइस आता है बहुत ही ज्यादा है, रास्ते में विंड ब्लास्ट आता है, इसलिए मैं मोटो ब्लॉगिंग मतलब एक्शन कैमरा का शॉट नहीं डाल पाता। जितना भी शॉट देखते हो मोबाइल से या DSLR से शूट करके डाल देता हूँ। इन फ्यूचर में मैं मेरा GoPro खरीदने का प्लान है, बट अभी तो नहीं, फ्यूचर में जब GoPro खरीदूंगा तब मोटो ब्लॉगिंग अच्छे से डाल दूंगा एंड आप लोगों को देखने का मिलेगा प्योर मोटो ब्लॉगिंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी खरीदूं। बस इतना ही दो क्वेश्चन के आंसर था एंड और दो तीन क्वेश्चन है, उस ज्यादा खास नहीं है, इसलिए मैं दो ही क्वेश्चन लिया, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आप लोग भी मैसेज कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज पे इनोवेशन डाइट, या लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर देने का। एंड वीडियो इतना ही था, चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बड़े से वीडियो में। राइट शेप यूज हेलमेट लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम साइनिंग ऑफ शुभ बाय। एंड हां एक रोड ट्रिप का प्लान कर रहा हूं क्योंकि सामने इलेक्शन है एंड दो दिन की छुट्टी भी है, मैं सोच रहा हूं कहीं जाके दो दिन के लिए घूम के आता हूं। ये तो कंफर्म नहीं है, कच्चा पक्का प्लान है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। अगर मैं जाता हूं तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो नॉर्मल होगा। बट रोड ट्रिप करने का तो बहुत इच्छा है, बाकी तो ऊपर वाले जाने का होगा, तो चलो अब जाते हैं, बाय। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Te gusta salir y se lo sigo.